आज हम महाराष्ट्र और गुजरात की फेमस कोथंबीर वड़ी बनाएंगे। यह बहुत ही हेल्दी टी टाइम्स स्नैक्स है और यह सभी घरों में पसंद किया जाता है। आपने भी इसे बहुत बार बनाया होगा, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो यह क्रिस्पी भी बनेगी और यह बहुत ही कम ऑयल सोखेगी। आप इसे एक बार बनाकर 10 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। क्रिस्पी खमंग कोथंबीर वड़ी बनाने का जानते हैं खास तरीका, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्रिस्पी और खमंग कोथंबीर वड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक हरा धनिया का बंच लिया है। सारे हरे धनिए के पत्ते को निकाल कर अच्छे से पानी से साफ करके कॉटन के कपड़े पर फैलाकर सुखा लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें एक कप बेसन लेना है, यह छान के लिया है। उसमें आधा कप चावल का आटा डाल देंगे। कोथंबीर वड़ी क्रिस्पी होने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून सूजी डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल को गरम करके डालना है। यह गर्मा गर्म तेल से बेसन और सूजी हल्की हो जाएगी और वड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। सबको चम्मच से इस तरह मिक्स कर लेंगे। यह ऑयल गर्म है, थोड़ा हल्का ठंडा हो जाने के बाद हाथों से इसे इस तरह मिक्स कर लेंगे। सारे आटे को तेल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पर उसमें कटा हुआ एक बड़ा बाउल हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया पूरी तरह सूखने के बाद ही उसे बारीक कर लेना है। और यहाँ पे टिप्स यह है कि सूखा हरा धनिया लेने से कोथंबीर वड़ी क्रिस्पी बनेगी। थोड़ा भी पानी इसमें रह जाएगा तो वड़ी कुछ देर के बाद नरम पड़ जाती है। यह टिप्स को आप ध्यान में रखें। इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा डालना है। अब 1/3 कप भुनी हुई मूंगफली को दरदरा पीस के लिया है, यह उसमें डाल देंगे। 2 चम्मच सफेद तिल डालना है। 1 चम्मच साबुत धनिया को दरदरा कूट के लिया है, इसे भी डाल देंगे। 1 चम्मच अजवाइन को मसल कर डाल देना है, इससे स्वाद बढ़िया आएगा। खाना पचाने में भी यह मदद करेगा। 1/4 टीस्पून हींग ऐड करना है। अब उसमें 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। 1 चम्मच को नमक को डाल देंगे। नमक आप स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 से 7 हरी मिर्च को 1 इंच और 5-6 लहसुन की कली के साथ मिक्सर में इसको पीस लिया है, उसकी पेस्ट डाल देंगे। मिर्च को आप स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। खट्टा मीठा टेस्ट के लिए 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। आमचूर की पाउडर के बजाय आप 1 लींबू का रस निचोड़ कर डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून खाने का सोडा डालकर अच्छे से मिक्स करना है। हाथों से मसल कर अच्छे से इसे मिक्स करना है। इस तरह हरा धनिया में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, इसी से इसकी बैंडिंग हो जाएगी। 5 मिनट तक इस तरह इसे मिक्स करते रहना है। इस तरह बैंडिंग हो रही है, उसमें 1 चम्मच पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ही कम यूज करनी है। फिर से 2 चम्मच पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। पूरा डो बनाने के लिए सिर्फ 3 चम्मच पानी डाला है। यह डो रेडी है। कोथंबीर वड़ी की थाली को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप इसे कुकर के डब्बे में, थाली को भी आप ले सकते हैं। आपको जिस शेप में कोथंबीर वड़ी चाहिए उसी तरह इसे फैला दें। मैं इसे स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। कैसे बनाना है यह आप पर डिपेंड करता है। स्पैचुला की मदद से मैंने इसे स्क्वायर शेप दिया है और ये रेडी है। अब इस पर तिल लगाएंगे, ये दिखने में अच्छी लगेगी और इसे हल्के हाथों से प्रेस करना है। इस तरह सेट करके इस थाली को स्टीमर में 15 मिनट तक स्टीम करेंगे।
आप इसे कुकर में भी स्टीम कर सकते हैं या इडली कुकर में भी इसे स्टीम कर सकते हैं। 15 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर स्टीम करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, टूथपिक डालकर चेक करते हैं। टूथपिक क्लीन निकल के आई है, कोथंबीर वड़ी पक गई है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। कोथंबीर वड़ी ठंडी हो गई है, अब हम इसे चाकू से स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। देखा फ्रेंड, यह कितने अच्छे से पक गई है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया था। ऑयल गर्म हो गया है, थोड़ा सा टुकड़ा डालकर देखेंगे। ऑयल ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है। ऑयल मीडियम गर्म हो गया है, अब इसमें वड़ी को डाल देंगे। आप इस कोथंबीर वड़ी को बिना फ्राई करे भी खा सकते हैं या आप इसे शालो फ्राई करके भी खा सकते हैं। आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी इसे बेक कर सकते हैं। मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। एक तरफ से हल्का गोल्डन रंग आ गया है, अब इसे पलट देंगे। दोनों तरफ से हल्का गोल्डन रंग आने पर इसे निकाल लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि मीडियम आंच पर ही इसे फ्राई करना है। इससे यह कोथंबीर वड़ी क्रिस्पी बनेगी और अंदर से भी ये अच्छे से पक जाएगी। अब यह कोथंबीर वड़ी फ्राई हो चुकी है, अब इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इस तरह सारी कोथंबीर वड़ी फ्राई कर लेंगे। कोथंबीर वड़ी ठंडी होने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में 10 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, या आप स्टीम की कोथंबीर वड़ी एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दे। जब इसे खाने का मन हो तब इसे फ्राई करें और गर्मा गर्म खाए। यह कोथंबीर वड़ी को तोड़कर दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर टेस्ट बहुत ही बढ़िया आया है। आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल हो हमें कमेंट करके जरूर पूछे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना और साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना ताकि नई रेसिपी की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।